हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की पजामी बनाने बताऊंगी। ये मेरी 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए है। ये बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहती है। नीचे से हमने पॉचे टाइट रखे हैं ताकि सर्दियों में पैर में हवा ना घुसे। ठीक है, आप इसके ऊपर स्वेटर सेम डिजाइनिंग में बना के एक प्रॉपर सूट बच्चे को पहना सकते हैं। अब आज हम इसको देखेंगे ये हम कैसे बना सकते हैं। शुरू करने के लिए ये देखिए मैंने 40 फंदे डाले हैं। इस 40 फंदों का मैंने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बन लिया है। ये मैं 2 रंग का बना रही हूँ। 4 सिलाइयाँ पिंक की, 2 सिलाइयाँ ब्लू की, फिर 4 सिलाइयाँ पिंक की कर ली हैं। अब ये बॉर्डर बनने के बाद ये मैंने 40 फंदों का बॉर्डर बनाया। अब इसके बाद मैं मेन अपना शुरू कर रही हूँ पजामी। इसके अंदर अब 40 फंदों के बाद जो अगली पहली लाइन मैं बना रही हूँ उसके अंदर मुझे 5 फंदे बढ़ाने हैं और इसको 45 करना है। तो वो देखें, जो सेकंड कलर का धागा है उसको मैं अपने साथ ऊपर पकड़ लूँगी। ठीक है, अदरवाइज जब आप उसको ऊपर सीधा खींचेंगे तो बहुत लंबा आएगा। अब पहला फंदा मेरे को 1 बढ़ाना है पहले फंदे पे, तो ये मैंने 1 बुना। पीछे की साइड से सेम फंदा दोबारा बुनूंगी तो ये मेरे 1 फंदे के 2 फंदे हो गए। ठीक है, अब मेरा 1 फंदा बढ़ गया है। अब इसके बाद 1 बढ़ाने के बाद 1 का मैंने 2 कर लिया। अब इसी लाइन के अंदर मुझे 5 बढ़ाने हैं। 1 बढ़ गया है, 4 और बढ़ाने हैं, तो अब मैं 7 फंदे सीधे बुनूंगी अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो मेरे डिज़ाइन के अंदर 3 बुनने के बाद मुझे 1 फंदा बिना बुना उतारना है। उसके बाद फिर मैं 3 फंदे बुनूंगी, फिर 1 फंदा बिना बुनाता। अब अगले फंदे पे मैं बढ़ा रही हूँ, ये मेरा दूसरा बढ़ाना होगा। तो 1 फंदा मैंने आगे की तरफ से बुना, ये मेरे फिर 2 बढ़ गए। प्लेन बुनूंगी, अब बिना बुना उतारूंगी। जो मुझे बुनाई डालनी है इसमें मैं साथ साथ डालती जाऊंगी। अब मेरे 2 फंदे बढ़ गए हैं, इसी तरह साथ साथ फंदे बुनते हुए मैं 3 फंदे और बढ़ा लूंगी। तो जब लास्ट होगा तो इस सिलाई के अंदर मेरे टोटल 45 फंदे हो जाएंगे। 4 फंदे मैंने बीच में बढ़ा दिया, मैं लास्ट फंदे पे पहुंच गई हूँ। लास्ट फंदे को भी मैं उसी तरह से 1 फंदा बढ़ा दूंगी। ये सारे फंदे मैंने बुन लिए हैं, बीच बीच में मेरे बढ़ गए हैं, मैंने बुनाई भी डाल दी। ये इस तरह का क्या, अब उल्टी सिलाई मैं अपने उसके हिसाब से ही कर लूँगी। इसके बाद अब जो मेरा डिज़ाइन है, जो बुनाई है, वो शुरू हो रही है। तो अब यहाँ पे फंदे बढ़ाने के बाद अब मैं 2 रो करूँगी जो मेरी, इसके बाद मैं 4 सिलाइयाँ और करूँगी और जो 5वीं और 6ठी सिलाई पे होगी उस पे फिर 1-1 फंदा बढ़ाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने जो 45 फंदे करे थे, 40 के बढ़ा के 5 45 करे थे, अब उसकी 4 सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं। मैंने पिंक कलर से शुरू किया था जो मैंने पहले की थी, उसके बाद मैंने ब्लू की 2 और पिंक की 2 और कर ली हैं। ये मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं 5वीं सिलाई के ऊपर हूँ तो जो मुझे ब्लू से कट गया, यहाँ पर भी मैं पहला फंदा 1 का 2 करूँगी। फिर अगली सिलाई में जो 6ठी सिलाई मेरी उल्टी होगी उधर भी पहला फंदा मैं 1 का 2 करूँगी। इस तरह बढ़ाते हुए अब मैं इसको बढ़ाऊंगी जब तक मेरे 75-80 फंदे नहीं हो जाते। हर 5वीं और 6ठी सिलाई के अंदर मैं 1-1 फंदा बढ़ाती जाऊंगी। हर 5वीं और 6ठी सिलाई के अंदर मैं 1-1 फंदा दोनों तरफ से, सीधी सिलाई में 5वीं सिलाई में सीधी तरफ से और 6ठी सिलाई में उल्टी तरफ से 1-1 फंदा बढ़ाते हुए जब तक मेरे 75-80 नहीं हो जाते तब तक मैं बुनती रहूँगी। ये देखिए, ये मैंने इतना बुन लिया है। इसके अंदर मैंने ये नीले रंग की, जो मेरा दूसरा रंग है, उसकी 11 डिब्बियाँ डाल दी हैं। 11 सिलाइयाँ मैंने नीले की है। 2 सिलाइयाँ मैं पिंक की, 2 सिलाइयाँ ब्लू की। इस तरह से मेरा डिज़ाइन है लहरियों वाला। इसके अंदर मैंने 11 सिलाइयाँ एक कलर की कर ली है, नीले रंग की 11 सिलाइयाँ कर ली है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे 57 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे पिंक से मुझे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं पूरा पेज अपना पिंक का करूँगी, एक कलर का। बेस मैंने इसका बनाया है, ठीक है, जो बॉर्डर मेरा है ब्लू की, सिर्फ इसके अंदर मैंने लाइनिंग दी है। तो अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि जब हम पजामी बनाएंगे तो पजामी के नीचे आप देखेंगे जो चुन्नटें आएंगी उसमें तो ये डिज़ाइन आएगा, बाकी पूरा प्लेन आएगा। अगर आप चाहते हैं तो पूरे में डिज़ाइन डाल सकते हैं, अगर चाहते हैं तो इनके बॉक्स बना सकते हैं, मतलब 20 सिलाइयों डिज़ाइन का, फिर 20 सिलाइयाँ प्लेन, फिर 20 सिलाइयों डिज़ाइन का, बुनाई का डाल के इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब इसके बाद से मैं अपना पूरा प्लेन बनाऊंगी। अब मैं इसको पिंक सिलाई से करती जाऊंगी और ये मैं बुनती जाऊंगी जब तक मेरे 80 फंदे नहीं हो जाते। ये देखिए, ये मेरा इतना हो गया है, ये इस तरह से आएगा। नीला धागा काटने के बाद अब यहाँ पे मैंने 79 फंदे कर लिए हैं, एक कम 80, ठीक है। ये फंदे करने के बाद, और इसकी मेरी हाइट आई है नापने पे 12 इंच की, पूरे देखिए पूरे 12 इंच की हाइट मैंने ले ली है इसकी पूरी। जब हम बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो उसे आसन पे जो होता है यहाँ पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है ताकि उसका डायपर पूरा अच्छे से फिट हो सके, ठीक है। उसके लिए हम म्यानी बोलते हैं, हिंदी में म्यानी बोलते हैं कि म्यानी बनाएंगे या चिड़िया, वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताती हूँ। 9 फंदे करने के बाद ये मैंने एक रंग से करे हैं, जो नीला था वो धागा यहाँ पे काट दिया था, देखिए काट के मैंने इसी के अंदर उसको कर दिया है ताकि एक्स्ट्रा दिखे भी ना, ठीक है। ये पूरा मेरा यहाँ तक आ गया है, ये देखिए इस तरह से। जब हम कोई धागा यहाँ पे काटते हैं तो उसको फंदों के साथ साथ हम अंदर ले लेते हैं ताकि वो हमारा दिखता नहीं है, और ये सेफ भी हो जाता है, ठीक है। अब शुरू करेंगे म्यानी या चिड़िया डालना। इसको मैं आगे की तरफ डाल रही हूँ, दूसरे पेच में भी ध्यान रखना है कि ये आगे की तरफ ही डलेगी, पीछे की तरफ नहीं, ठीक है। अब इसको डालना किस तरह से, ये देखिए, पहले मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी। ये बुनने के बाद अब इस फंदे को मैंने निकाला नहीं है और इसी के अंदर डाल दिया है, फिर इसी फंदे को दोबारा सीधा बुनूंगी और इस फंदे को इसी के अंदर डाल दूंगी। इसको बोलते हैं फंदों का बढ़ाना। जब अगर हम एक फंदा बढ़ाते हैं तो हम एक का दो कर देते हैं, बट अगर हमें ज्यादा फंदे बढ़ाने हो तो वो हम इस तरह से बढ़ाते हैं। इसके अंदर टोटल मुझे 10 फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये दो फंदे मेरे बढ़ गए, ये मैंने बुना, इसी के अंदर डाल दिया, फिर पीछे की तरफ से फिर बुना, इसी के अंदर डाल दिया, फिर पीछे की तरफ से फिर बुना, इसी के इस तरह से निकाला, इसी के अंदर डाल दिया, फिर बुना, फिर पीछे की तरफ से। देखिए हम आगे की तरफ से पीछे की तरफ से इस तरह से बुना, ये पीछे मेरी सिलाई इस तरह से है, यहाँ से यूं, और इस फंदे को जब हम बढ़ाने के लिए, जैसे हम एक आगे से बुनते हैं एक पीछे से बुनते हैं, इस तरह ये मैंने बुना, खींचा, फंदे को डाल दिया, फिर पीछे की तरफ से टोटल मुझे 10 फंदे बढ़ाने हैं, इस तरह से, इस तरह से। अब इन फंदों को एक एक करके मैं सबको सीधा बुन लूंगी। अब मैं पूरी सिलाई को अपना सीधा बुन लूंगी और उल्टी सिलाई को उल्टा पूरा बुनकर फिर मैं यहाँ तक ही वापस आऊंगी। ये देखिए, उल्टी सिलाई में सारे करते करते जो मैंने एक्स्ट्रा फंदे डाले थे यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ। अब इन फंदों को भी एक एक करके मैं उल्टा बुन लूंगी, इन फंदों को भी एक एक करके मैं उल्टा बुन लूंगी। सिलाई खत्म हो गई, ये देखिए सीधी तरफ से इस तरह से आ गया। अब इतना मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा जो मेरी म्यानी हो जाएगी, ठीक है। डायपर वगैरह होता है बेबी का या एक्स्ट्रा स्पेस होता है ताकि थाइस के पास ये टाइट ना हो। अब इसको हमें बनाना किस तरह है, अब हर सिलाई के अंदर मैं पहले दो फंदों को दो का एक कर दूंगी, एक एक फंदा घटाती जाऊंगी और बाकी फंदों को सीधा इसी तरह से बुन लूंगी। सिर्फ पहले फंदे में हमें दो का एक करना है। अब ये 10 फंदे अगली 10 सिलाइयों, अगली 10 सीधी सिलाइयों के अंदर घट जाएंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, बस सीधी सिलाई के अंदर, हर सीधी सिलाई के अंदर पहले दो फंदों को दो का एक कर देना है। हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाता जाना है, तो अगले 10 सिलाइयों के अंदर ये मेरे 10 फंदे घट जाएंगे, फिर मेरे 79 फंदे ही रह जाएंगे। उन 79 फंदों से मैं अपना आसन बनाऊंगी। अब इस तरह मैं हर सिलाई के अंदर एक एक फंदा घटाती जाऊंगी।